जोशी T-Star and I'm a Joshi too. गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूँ आपका विशाल, लेके आया हूँ नया व्लॉग। एक्चुअली मैं लेट हो गया हूँ, अभी बज रहे हैं 6। मैं लेट नहीं हुआ एक्चुअली, मेरे को सोना था यार, मतलब एटलीस्ट 2 या 3 घंटे तो मैं सोया हूँ, 2 घंटे तो सोया हूँ। मैं व्लॉग एडिट करा, उसके बाद सब कुछ करा, व्लॉग अपलोड कर दिया घर से निकलने से पहले। मैं रेडी हो चुका हूँ, बस ऊपर से आज ओम नमः शिवाय पहन रहे हैं, इसके ऊपर देव आ रहा है, देव की 11-12 मिस कॉल मेरे पास कि आ जा। मस्त नीचे चलते हैं, देव से मिलते हैं, चलो। देव इज हेयर, आई एम हेयर। ये पहनी है ओम नमः शिवाय वाली, ये मेरा सामान, बस बाइक बाहर कर देता हूँ, फिर सामान लगा देता हूँ बाइक पे, फिर मिलते हैं। सामान पूरा डाल दिया है, बस अब हेलमेट पेयर करने रह रहे हैं मेरे और देव के। देव ने अपना सामान वहाँ बांध दिया। वी आर ऑफ टू, जगह का नाम बोल, वी आर ऑफ टू पिथौरागढ़। अभी इस व्लॉग के लिए इतना बता देते हैं, हम जा रहे हैं पिथौरागढ़, और सो फार सो गुड। अब बारिश का थोड़ा सा मौसम बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं पहली राइड पे इस व्लॉग की। पेयरिंग हेलमेट, दे आर पेयर्ड, इट्स दैट इजी ब्रो। चलो लेट्स गो, पहले देव चेक कर। सो वी लीविंग ग्रेटर नोएडा एंड इट्स ऑलमोस्ट 6। वी प्लान्ड कि हम 3:30 बजे निकलेंगे, बट क्योंकि वेदर काफ़ी ख़राब था सुबह, सो वी थॉट कि जो बीच में गैप मिलेगा जब बारिश नहीं होगी तो हम तब निकलेंगे। सो आवाज़ आ रही है, या ओ दिस फील्स अमेजिंग, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द टेक। आई नेवर गो विद द इलेक्ट्रॉनिक सामान क्योंकि कभी भी ख़राब हो सकता है, बट दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेट्स सी कैसी रहती है राइड। साउंड्स गुड यार, आई कैन हियर यू जोश। And we are off to Pithoragarh. Woohoo! Fueling up here. मैंने अपनी फुल करा ली है, अब देव अपनी टैंक फुल करा रहा है, और यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 98.89 ग्रेटर नोएडा में। देव के में अच्छा खासा तेल आ चुका है, एंड वी आर कनेक्टेड। तो क्या लगती है डोमिनार अपनी, आई लव यू डोमिनार। हम लोग चढ़ चुके हैं ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, और यहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा घूमते रहे आधे घंटे तक अपने ही जगह पे। एक्चुअली हमने गूगल मैप्स पे बाइक चूज कर ली थी, और बाइक यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर हमने गाड़ी करी तो ये रास्ता मिला। तो फिर हम लोग अपने शहर के बारे में नहीं पता, सीधे निकल रहे हैं यार। बस एक कमी है आज राइड पे, मतलब गोप्रो नहीं है, वो होता ना मचा रहे होते। एक बार मैं ये टेस्ट कर रहा था कि मेरा फोन चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा, जो कल ये माउंट लगाया है चार्ज हो रहा है। थैंक यू विक्की, अगर तू ब्लॉग देख के सुन रहा हो तो मेरे भाई। सपन, ये वाली फील चाहिए थी, रोड वाली, कहीं भी बैठो कहीं भी जाओ मस्त रहो अपना, कोई दिक्कत नहीं। बारिश आ रही है, निकल रहे हैं यहाँ से, चलो लेट्स गो। बहुत देर बाद स्टॉप लिया हमने, कितनी देर बाद, डेढ़ घंटे बाद लोकल बिरयानी अपनी, ये वो वाली है जो सिकंदराबाद या मुरादाबादी वाली वाली टाइप की होती है। राजेंद्र जी की बिरयानी खाएंगे आज हम, बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, अंकल की स्माइल बहुत अच्छी है, तो अंकल की स्माइल को देख के हम रुके हैं। अंकल डाल क्या रहे थे, जितना ज्यादा हो जाएगा ये तो फिर इतनी देर से डाल रहे हो, ज्यादा नहीं नहीं वो सड़क पे बैठने के लिए बनाया है, वहां पे रख के खाना है। शुद्ध शाकाहारी बिरयानी यहाँ बैठ चुके हैं देव बाबा, भोजन ग्रहण करते हुए वेज बिरयानी, क्योंकि अगला स्टॉप हमारा मुरादाबाद है, तो वो 100 किलोमीटर के बाद ही होगा, और तब तक तुम रुकोगे नहीं बाइक, तो कुछ चाहिए।
वैसे पता अच्छा लग रहा है ये बस आप रिफिल हो रही है फिर से 800 का पेट्रोल मेरे में आ गया है और देव के में अब तक देव का भर रहा है अभी कर रहे अपनी ब्लॉगिंग तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर। आ गई है चाय। अभी हमने 120 किलोमीटर का स्ट्रेच करा नॉन स्टॉप फुल मज़े में भगाते हुए 130 के ऊपर नहीं गए। मैं तो नहीं गया, पता नहीं देव गया हो गया नहीं गया। 125 मैं 130 के ऊपर नहीं गया। बहुत मज़ा आ रहा है यार, मतलब वो लग रहा है वापस रोड पे आ गए यार। कितने बेकार लाइन है कि वापस रोड पे आ गए। अभी तक हवा में चला रहे थे, वापस रोड पे आ गए, मतलब अपने हुड में। चलो शक्ल बुरी हो रही है पता है। ओ एक नंबर चाय बना रखी है भाई बंदे ने। यस वी आर अगेन हंग्री। आलू पराठा और आलू की सब्जी साथ में और बाइक के एक्चुअली यही मिस करते हम शायद इस राइड में कि ऐसे ही सिंपल खाना मिलता रहे बट वो बहुत डिलीशियस होता है। बहुत मज़ा आता है इस जगह खाने में। सोपन निकल रहे हैं यहाँ से, अगला भी 100-120 किलोमीटर का स्ट्रेच मारेंगे उसके बाद रुकेंगे। यहाँ पे करीबन आधे घंटे का ब्रेक ले लिया मैंने देव ने। लेट्स गो। सो जस्ट अभी रुके हैं 140 किलोमीटर बाद ब्रेक लिया स्ट्रेट चलाने के बाद मैंने देव ने देव की भाई यहाँ देव पानी लेने गया है। ऐसे रुक गए कहीं भी, चाय वाय नहीं ले रहे और सिर्फ नहीं ले रहे चाय वाय क्योंकि चाय ले रुकेंगे फिर एक घंटा ब्रेक कर देंगे हम लोग अपना नहीं करना तो जाने पानी पियेंगे और सीधा निकल जाएंगे। अभी अराउंड 220-230 किलोमीटर और है हमारे आज की डेस्टिनेशन। कल की डेस्टिनेशन देखते हैं क्या होगी बट आज की डेस्टिनेशन 230 किलोमीटर दूर और है। हमने अभी टोटल में कर लिया है 230 किलोमीटर और है अभी। चलो आगे मिलते हैं कहीं। ये रहा देव, पूछ रहे थे लोग देव कहाँ गया। बहुत ज़्यादा यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ह्यूमिडिटी बहुत है और जिस चीज़ की खोज में आया वो अभी तक दिखे नहीं, पहाड़ का एक पर नहीं दिखा मुझे। आ जाएगा नए रास्ते से निकल रहे हैं हम लोग पीलीभीत वगैरह होते हुए। सो जी नहीं आ रहा बट ठीक है गूगल में जो कह रहे हैं चल रहे हैं थोड़ी देर बाद। माय नेम इज गैरी आल्सो कॉल्ड एज एके सड़कचाप। ओके व्हाट्स अप। ओह नो गो फॉर द स्टिक राइडिंग नाइस गाइस जस्ट मेट ब्रो बोथ माय लेग्स अप आज दे रिकवरी फिर से हम टॉक रिग्रेट्स इन अरबिक अरबिक ओके नो रिग्रेट्स ब्रो व्हाटएवर यू डू You shouldn't be having any regrets. Oh, don't. Okay. Being so smart. No paparazzi, please. Guy we met, उनका Instagram handle है सड़क छाप के नाम से और वो है भाई बंदा real traveler. उनसे मिले हम लोग, उनसे अपना experience share करा उन्होंने हमारे साथ कि मैंने ये करा वो करा। एक समिट करने गए थे तो उनकी टांग टूट गई थी, वेलकम मूवी वाली नहीं सही में उनकी टांग टूट गई थी, किसी उदय उदय ने नहीं तोड़ी थी। तो यही सब कुछ वहाँ पे चला, बहुत अच्छी बातें करी हमने उनके साथ। तो वहाँ से निकले हम लोग, मतलब बहुत बहुत सही बातें करी उनके साथ। सो उन्होंने हमें बताया कि आगे कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। ही वॉज लाइक कि मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, थार निकाल मेरी अपने वहाँ पे उनके दोस्तों से, थार निकाल मेरी अभी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। सो ऐसे कोई मिलता है ना यार ट्रैवलिंग पे तो बहुत सही लगता है जब ऐसे कोई आके मिले सामने से और ऐसे बोले ना हाय ब्रो, वो वाली फीलिंग उन्हें भी आती है हमें भी आती है ट्रैवलर वाली। सही है यार हम भी बन जा रहे हैं, वो सड़क छाप है हम बन जा रहे हैं। ये देखो यार ये अलग शेप ले लिया बोतलों ने, जैसे यहाँ पे कोई रिफिल कर रहा हूँ ये। सो हम लोग अभी पहाड़ चढ़े हुए हमें 20 किलोमीटर भी नहीं हुए होंगे, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ शायद, पूरे गीले हो चुके हैं और आगे और की पूरी लैंडस्लाइड उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, वहाँ पे जाम हर जगह। अभी तक जाम नहीं मिला कहीं बट आगे बता रहे हैं रोड ब्लॉकेज है, ये है वो है। लैंडस्लाइड दिखाता हूँ मैं, जगह दिखाता हूँ हम लोग कहाँ रुके हुए हैं, मतलब अभी किस शेड के नीचे। अभी बारिश नहीं आ रही है तभी हम रुके हुए हैं,
थोड़ी देर रुक जाते हैं करके। वो लेंस नहीं कर, क्या माइनस लेंस कर दिया तूने? वाइट से क्लैरिटी खत्म हो जाती है। ये हमारी यहाँ पे खड़ी है बाइक्स डोमिनार एंड बुलेट। ये यहाँ पे देखो ऊपर से ये लैंडस्लाइड आ रखी है यहाँ पे, यहाँ पे वहाँ पूरा पेड़ गिर रखा है। ये देखो यहाँ पे पूरा, बहुत मुश्किल हो जाता है यार। थोड़ा सा डर लग रहा है कि अगर वहाँ ऊपर से कोई पत्थर आए गिरा और हम लोग यहाँ पे चला रहे हो बाइक तो क्या हाल होगा हमारा, और जिनका हाल हुआ है उनका क्या हुआ हाल हुआ होगा। बाय द वे हम लोग यहाँ रुके हुए हैं अभी और बहुत सही व्यू आ रहा है यहाँ से, अच्छा लग रहा है यार। ये होता है पहाड़ों का मजा, रुक गए वहाँ पे, ज़्यादा होगा तो यहीं सो जाएंगे, इतना सारा सामान है कोई टेंशन नहीं है। धूप निकल गई अभी, वो भी एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया था पूरे मौसम में, अब एकदम से धूप निकल गई। मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, यही यही रह जाएंगे। देख बेड बेड होता है ना यहाँ, गद्दा होता है ना यही डाल देते गद्दा। तो हमें दो भाई भी मिले वहां पे, यहाँ के लोकल हाइट है ये, उन्होंने बताया हमें कि कैसे करना है क्या करना है, थोड़ा समझा हमने। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं हमें, लाइक माइंडेड पीपल, पहाड़ी 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 रॉक, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सही है यार, हम जहाँ रुक रहे हैं वहाँ दोस्त बनाते चल रहे हैं आगे। अगली बार से बस हमें कॉन्टेक्ट करने, एक्चुअली हम हर ट्रिप पे ऐसा नहीं करते, ये हमारी पहली ट्रिप है मेरी देवा की साथ में, और हमें पता था हम दोनों कैसे हैं, हम लोग ऐसे ही हैं, हम किसी के साथ भी जलप हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और आप लोगों के साथ तो हो ही रहे हैं धीरे धीरे करके। क्या बात है, डेली व्लॉग्स देखे जा रहे हैं। इसी बात पे एक लाइक और कमेंट कर दो, और उसी बात पे एक शेयर का बटन दबाई दो, और सब्सक्राइब तो तुम्हें पता ही है, और घंटा तो तुम सब बजाते ही हो सुबह सुबह, एक भाई का भी बजाओ जल्दी से कर दो। नैनीताल के जैसे 5 तालाब है वहाँ पे, पोखरा में, और पोखरा में ऐसी जगह है कि छोटी छोटी गिट्टिया वाली जगह, वो कहते हैं कि गुफा भी है, बहुत अच्छी गुफाएं हैं वहाँ पर। चले पोखरा, हम तो फ्री होके निकलेंगे घर से, ऐसा नहीं तो पोखरा चले क्या, जनता क्या बोलती है पोखरा चले? नहीं बोल रही यहाँ पे, लोग इतने अच्छे हैं ना, ये भैया मिल गए, ये हेल्प कर रहे हैं अंकल, ये हेल्प कर रहे हैं, सारे बंदे इतने हेल्पफुल मिले, दोस्त बनते जा रहे हैं अपने सारे यहाँ से, अब फैमिली। एक चीज और, ये सारी चीजें भैया आप पे डिपेंड करती है कि दोस्त आपके कैसे बन रहे हैं, आप बढ़िया रहेंगे तो दोस्त अपने आप बनेंगे। बिल्कुल भैया, और सबसे बड़ी चीज है आप भला तो जग भला, ठीक है, और आप बुरे तो जग बुरा। भले आदमी को भलाई मिलता है, हम जब स्टार्टिंग में चल रहे थे हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी ट्रिप पे जाने की, बट हम लैंडस्लाइड की बात कर रहे थे, एंड जो भाई हमारे हैं ही वर्क्स फॉर NHAI जो नेशनल हाईवे वाले हैं, वो लैंडस्लाइड को बचाने के लिए जो आप देखते हो ना जाली के बने होते हैं पत्थर, ये उन्हीं का टेंडर लेते हैं, और हम एक्चुअली वहीं बैठे, और इनसे अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे आगे की मिली नहीं, और इन्होंने एक और जोशी जी को चुल दे दी कि आप पोखरा भी जा सकते हैं, बट जनता कुछ नहीं कह रही है। तो आप ये पार से हैं वैसे जो नहीं है, मैं अल्मोड़ा जिले, आपको नहीं अभी बाद में बताऊंगा आपको, भैया को बताता हूँ। हम उनकी बात कर रहे थे, वो वहाँ पे देख रहे हो जैसे वो लगे हुए वहाँ पे, तो ये लैंडस्लाइड रोकने के लिए है, तो उन्होंने पीछे वो ही समझा रहे हैं कैसे वर्क करते हैं। सो वी हैव स्टॉप्ड हियर क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ किस रास्ते से हम लोग आए हैं, इस रास्ते से, ये रास्ते से हम लोग आए हैं, ये देखो ऐसे ऐसे पैचेस पूरे आगे हैं, और इससे भी बुरा हो रखा है, और ऐसे ही अभी आगे 22 किलोमीटर और है ये रास्ता, और टोटल मिला के 42 किलोमीटर। अंधेरा होने वाला था तो हमने सोचा कि रुक जाए यहाँ से, तो ठीक है हमें यहाँ पे एक ये होम स्टे मिला है, अच्छी बात है यार कुछ तो मिल गया, नहीं तो परेशान तो हो रहे थे, परेशान होना चालू हो गया था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करा जाए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और इस कंडीशंस में चलाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि राइडिंग गियर भी नहीं है कुछ भी नहीं है।
सो अभी यार आगे देखते हैं क्या होता है, पहले ये कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और एक डॉग एज ही नोज आई एम अ डॉग लवर ये आ गया यहाँ पे। कैसा पीछे का व्यू इसका, क्या सही लग रहा है यार, ये तो चाहिए एक छोटा सा होम स्टे, वहीं रख दो भैया। ये भैया चाय लेकर आए हमारे लिए, बहुत अच्छे हैं भैया, वहीं रख दो मैं। तो ये तो चाहिए यार एक छोटा सा होम स्टे, ऐसे राइड कर कर और रुक जाओ। अपन को 5-star होटल नहीं चाहिए यार जब ऐसे ट्रैवल करने निकले हैं। तो गीले हो चुके हैं कपड़े वपड़े चेंज करते हुए यार एक बार पहले, ये मैं पीछे कॉल करने आया था, मेरे को व्यू बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा दिखाता हूँ। इतना नहीं है जूतों की हालत, नहीं नहीं जूतों की हालत मुश्किल, बहुत मुश्किल था चौमिन में। नहीं है इसने मैगी नहीं बोली उसने, मैं आपको नाम दिखाता हूँ यहाँ का, पढ़ लो अच्छे जोशी 30 star और नाम है जोशी 2। मजा आएगा यहाँ पे सुबह सुबह अपना, अभी रात को खाना ही बना रहे थोड़ी देर, बहुत सही एरिया, मैं दूर से दिखाता हूँ क्या सही दिख रहा है। ये देखो यार रात में ऐसी एकदम आइसोलेटेड, सिग्नल भी नहीं आ रहे यहाँ हमारे, चाहिए भी नहीं सिग्नल। बाय बाय। सो एज यू ऑल नो हमने ये राइड यहीं पे ख़त्म कर दी है, एक होम स्टे ले लिया है, चार्जिंग 500 rupees फ्रॉम अस, बट बात 500 की नहीं है, बात है रहने के लिए जगह मिल गई, नहीं तो अभी आगे जाते जाते रहते अंधेरा हो गया। और कितने 20 मिनट में अगले 20 मिनट में अंधेरा हो चुका है यहाँ पे पूरा, फिर उस रास्ते वापस चलना वो इट्स इम्पॉसिबल टू सी विजिबिलिटी, मतलब ऑलमोस्ट ठीक है चल विजिबिलिटी तब भी होती कोई नहीं, बट थोड़ी लाइट से हो जाती, बट जब रोड की कंडीशन है ना वो बहुत पुअर है यहाँ पे। ठीक अपना तो चलता है, बन जा रहे हैं, क्या नाम था सड़क छाप है। चलो हमारी अपनी मैगी खाते हैं अब आराम, अब रिलैक्स हो चुके हैं, अब एकदम दिमाग रिलैक्स हो चुका है देव पूरा। निकल चुका है कैसे, इस बार ज़्यादा ड्रामे नहीं करे, लीच चिपक गई थी यहाँ भी फिर से लीच पीछा नहीं छोड़ रही यार अपना, तो इसको खून उनको रोकते हैं फिर देखते हैं, अभी दिखा खून है कुछ और देख रहा था खून दिख गया, पहले इसको ठीक करते हैं। ऐसे ये जो ये देख रहे पैर कैसा हो गया, कैसे सो गए ये पैर, यहाँ कुछ हुआ है बड़ी, कुछ कट लगा है बे देवा, कट है कट गई है यहाँ से, खाल कट गई है भाई ये, कुछ मत कर वो निकल आएगी बाहर, इस जगह से खाल कट गई है, इस जगह से खाल कट गई है, यहाँ हो रहा है पेन मीठा सा। मैं सोच रहा हूँ पैर एकदम पूरे गीले पड़े हैं, पैर पूरे गीले पड़े हैं, नाखून काट लेता हूँ, एकदम सॉफ्ट हो रखे नाखून, किसके तक नाखून काट लेते हैं ये ठीक रहेगा। So satisfying. भूख लग रही बहुत तेज अब तो। बीडी का लगा दिया ना? होता ही नहीं है वो लगा कर बीडी का। तूने कभी ट्राई नहीं करा भाई, वो पहाड़ होता है भाई वो, दही हो गया, शहद हो गया, भोंगरे का नॉन हो गया, और तुम्हारा क्या नाम कहते हैं ये क्या नाम कहते हैं उसको, चीनी डाल दो, गुड़ डाल दो, और वो हरे धनिया का नमक डाल दो इसमें, तब देखो रोटी सब्जी
जैसा कि मेरा पता ही आप लोगों को, मैं खाने के वाला थोड़ा सा चूजी हूँ, इधर जमता नहीं। भाई सब्जी क्यों लिया, सब्जी क्यों डाल दी मेरे लिए? थोड़ा सा चेक तो कर लो, एक बार चेक मैं उसके में से कर लूँ, वो झूठी नहीं कर रहा, मैं चेक उसके। सो मैंने अपने लिए क्या बनवाया, आलू भुजिया की नमकीन, चॉप चॉप करके प्याज, टमाटर, नींबू, मिक्स चटनी, बाकी सब सही। क्या नमक कम होगा इसमें? कोई नहीं, खाते खाना। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है, सब पूरा खराब था, नहीं चला जा रहा था, हालत टाइट हो चुकी थी मेरी और देव की दोनों। अब हालत टाइट होने का मतलब आप जो अगर आप बाइक और समझ सकते हो, हालत टाइट होने का मतलब क्या होता है कि जब नहीं चलता, हाथ वाथ सब सुन्न हो जाते हैं, पैरों में शायद मेरे फ्रॉस्ट बाइट भी हो गया है, वो सुबह उठ के देखेंगे अगर दर्द बराबर हुआ तो उसका क्या इलाज करना है। आज तक हुआ नहीं कभी, बट शायद इस राइड पे वो भी हो गया, फिर से लीच ने काट लिया। हमें रुकने के लिए जगह मिल गई मेरे को और देव को, देव यहाँ सुमड़ी में आराम से बैठा है नीचे, मैं ऊपर बैठा हूँ क्योंकि देव मेरे को नहीं आ सकती नीचे, नहीं मेरे को पता है। तो आपसी अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि वो समझ गया मैं समझ गया, ठीक है ठीक है। तो इस वीडियो को ही एंड करते हैं, जैसा भी ब्लॉग लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर, अबे क्रीम रोल वाले सब्सक्राइब बोल, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनतें चल रही हैं। अगर कुछ गलत लगा तो बस्सी वायदा बोलते ही हैं, गलत होता ही क्या है। ओके बाय।